नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जो मेरी 21 दिन का एक सीरीज चल रहा है, रिट्रीट है, उसके 16वें दिन के साथ। तो पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो 15वें दिन का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा क्या रहा, आपका अलग भी हो सकता है। अगर जो लोग पहली दफ़ा मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, तो डे वन वाला ज़रूर देखें। उससे आपको थोड़ा सा समझने में और शुरू करने में आसानी रहेगी। तो मैं बात कर रही थी, आज मेरा 16वां दिन का जो एक्सपीरियंस है, उससे पहले 15वें दिन के एक्सपीरियंस के लिए मैं आपसे अपना जो मेरा अनुभव रहा उसके बाद क्या रहा वो मैं शेयर करूंगी, और आपका एक्सपीरियंस हो सकता है थोड़ा अलग हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जब मैंने अपने आप को, जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया कि एक ऐसा जो थैली, जैसे कि आप माँ के गर्भ में होते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है, सराउंडेड बाय कंफर्टेबल टेम्परेचर और सब कुछ। तो सारा दिन जब भी मुझे कहीं पर कोई स्ट्रे वो लगा कि भाई ये थोड़ा सा हो रहा है, स्टिफ हो रहा है, कहीं पेन लगा, तो मैंने उसी थैली में अपने आप को इमेजिन करके और रिलीज़ कर दिया। ये मतलब मैंने सारा दिन किया, 24 घंटे तक किया, और ये मेरा एक्सपीरियंस था। और मुझे आराम लगा, बहुत सारी जगहों पर मैंने, मेरी वर्क की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बाद सिर्फ आप जंगलों में रह सकते हैं। इस प्रैक्टिस के बाद या क्रिया योग की प्रैक्टिस के बाद आपको इसी दुनिया में रहते हुए और अपने आसपास जो लोग हैं, सोसाइटी में रहते हुए आप बेहतर कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। तो और सही में हमारी स्पिरिचुअलिटी टेस्ट भी वही होती है, जब आप कुछ करें और आपसे कुछ अच्छा हो, कुछ गलती हो, तब पता चलता है कि हम कहाँ हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये तो मेरे, तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले मैंने सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश होने के बाद शवासन में अपने बिस्तर पर ही लेट गई, क्योंकि मुझे ठंड लगती है। तो मैं योगा मैट पर, कभी गर्मियों में तो सोच भी सकती हूँ और मैं इस ठंड में भी नहीं सोच सकती, तो कंफर्टेबली मतलब लेटना है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा टेम्परेचर हो जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, ना आपको ठंड लग रही हो, ना गर्मी लग रही हो, ना मच्छर काट रहे हो। और आपका, जैसा मैंने बताया, मैंने तो अपना सुबह का समय चुन रखा है क्योंकि उस समय डिस्टरबेंस होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। मैं रेयर इसलिए कह रही हूँ कि कभी हो सकता है। तो खैर, मैंने अपने आप को एडजस्ट किया, शवासन में लेटी और मैंने जो है अपना सांस पर ध्यान लगाया। पहले बॉडी पर ध्यान लगाया, फिर सांस पर ध्यान लगाया। सांस पर पहले बॉडी को ध्यान लगाकर उसको रिलैक्स किया, फिर सांस पर ध्यान लगाया। जब सांस पर ध्यान लगाया तब मालूम हुआ कि बॉडी में कहाँ कहाँ पर थोड़ी स्टिफनेस है, कहाँ पर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो रही है। और देखिए, मैं आपसे डे वन से कहती जा रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट तो है, पर मैं कंप्लीट कहूँ कि वो नहीं हो पा रहा। तो खैर, हमारे पास, मेरे पास तो एटलीस्ट एक टूल मिल गया है कि सराउंडेड बाई वॉर्म वाटर, और वो ऐसा थैली है जो प्रोटेक्शन भी दे रही है और आपको नरिशमेंट भी दे रही है और लचीली है। हाँ, तो अब मैं स्ट्रगल मार रही हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ कि वो स्ट्रेच जो लास्ट में, कितने टाइम से मैं जिसके साथ स्ट्रगल कर रही हूँ वो करती जा रही हूँ। देन मैंने उसके इमोशनल पार्ट के रीज़न के लिए कॉन्शियसली मैं जाती हूँ कि ज़रूर देखिए, जब आपको कहीं स्ट्रेच हो रहा है ना, मतलब कहीं स्टिफनेस आ रही है, दर्द हो रहा है, तो अगर वो फिजिकली आप ऐसे कर लिया या वैसे कर लिया, एडजस्ट कर लिया, नहीं हो रहा, तो उसके पीछे ज़रूर कोई इमोशनल कारण मौजूद होगा। जैसे फिजियोलॉजिकल कोई कारण नहीं है कि कट लग गया है, वो सब नहीं है, लेकिन आप दर्द है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते रहते हैं और होता भी है। तो अब वो नहीं दिख रहा, तो मैंने अपने इमोशंस पर ध्यान दिया। अब इमोशंस भी मुझे ऐसी कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि हाँ, छोटे मोटे उसमें एपिसोड आते रहे कि
थोड़ा ये बात थी। दिन भर में होता ही है, 24 घंटे में क्या बुरा लगा क्या अच्छा लगा वो सब आते रहे, लेकिन उस पर ध्यान देने के बावजूद, उसको एक्सेप्ट करने के बावजूद, मेरा जो जितना अब तक की जो मेरी डेप्थ थी और जितना गहराई में गई थी, उससे मेरा काम नहीं चल रहा है ना। ऐसा मैंने महसूस किया कि ये कॉन्शियस तरीके से अभी तक मैं उस हद तक रिलैक्स नहीं हुई हूँ कि वो जगह पहुँच जाऊँ जहाँ सोर्स है, प्रॉपर कनेक्शन हो जाए। हाँ, और ये सोर्स जो होता है हमारा जन्मों जन्मों से चलता है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा ना, कई बीमारियाँ, कुछ कमजोरियाँ हम जन्म से लेके आते हैं, कुछ ताकतें हम जन्म से लेके आते हैं, ठीक उसी तरह। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि जहाँ पर सारी सोच खत्म हो जाती है और उस जगह पर ध्यान लगा कर, ताकि मैं वो जो ऐसे होता है ना, एक बंद दरवाज़ा है और उसमें मैं घुसना चाह रही हूँ पर वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। फिर मैंने इस चीज़ को भी समझा, कई बार ऐसे दरवाजे होते हैं वो तभी खुलेंगे जब हम उस दरवाजे की ताकत को झेलने लायक हो जाए, खुलने के बाद जो भी खुलेगा उसके लायक हम हो जाए। तो पहले हम स्ट्रांग बनेंगे तब वो ब्लॉकेज हटेगी, ताकि हम ऐसा ना हो कि उसकी जो जब वो खुले तो हम उसको नहीं संभाल सकें। हाँ, उसकी जो जो क्योंकि वो इसलिए इतना ब्लॉक है क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस लिए हुए हो सकता है जो आपने इतनी जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया है, सील बंद कर दिया है कि आप उसको नहीं झेल पा रहे। तो ठीक उसी तरह वो दरवाज़ा बंद है। अब मैंने क्या किया, आप सोचिए, मैंने सरेंडर किया। जो अपना सबसे पहले दिन का जो दोस्त हमने ढूंढा था, हाँ, उस लेवल के दोस्त से कांटेक्ट किया कि भाई, एंजल बोल देते हैं कई लोग, भाई मैं इस दरवाजे को नहीं खोल पा रही और जो भी वजह है इसको कैसे खोलूं, मुझे थोड़ी सी विजडम दो। या चलो खोलूं भी नहीं, कम से कम मैं इसको ठीक ही कर लूं, इसको हील करने का ही रास्ता बता दो। अपने आप से ही क्वेश्चन किया कि क्या हो सकता है, तो एक आवाज़ आई अंदर से, सवाल और जवाब दोनों चलते हैं। हाँ, तो आया कि ये भी एक तरीका है कि आप अपने जैसे और लोगों के साथ जुड़ें और उनकी सेम तरीके से मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं ये कर लूँगी और मैं एक्सेप्ट करती हूँ और ये मुझे करना भी चाहिए एक ह्यूमन बीइंग के जैसे। ये नहीं कि मुझे अगर कोई चीज़ मिल गई है या मुझे दूसरों को रास्ता दिखाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो खुशी मुझे मिली है उसको बांटा जाए। तो वो करा, लेकिन अभी भी मैं सरेंडर की, आज का जो मेरा दिन है, अगर आप भी कर सकते हैं तो करिए, सरेंडर करें अपने अंदर के डीपेस्ट हाईएस्ट। हाँ जी, एक तरफ डीप कह रही हूँ, एक तरफ हाईएस्ट कह रही हूँ। जी हाँ, जो जितना ज़्यादा डीप है वो उतना हाई है। हाँ, तो अपने डीपेस्ट हाईएस्ट सेल्फ को सरेंडर करिए। तो आज का मेरा पूरा दिन उसी सरेंडर में बीतने वाला है। 24 घंटे जब तक मैं कल इसको नहीं करूँगी, तब तक ये दिन मेरा सारा सरेंडर पर है। तो आप भी करके देखिए कि हाईएस्ट सेल्फ पर, किसी चीज़ जहाँ आप अटके पड़े हैं, जहाँ आपके जो इस जन्म की जो ताकत है उसके बियॉन्ड अगर कोई ताकत चाहिए, जो आपकी आत्मिक शक्ति है, तो आप अपने अंदर की आत्मा को सरेंडर करिए। आज का सारा दिन अपने डीपेस्ट ट्रू सेल्फ आत्मा और जो भी अपना अंदर जितना हाई आप सोच सकते हैं, अपने अंदर जितनी मतलब जो अनवेल्ड है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, वहाँ तक सरेंडर। अगर एक जगह सरेंडर किया नहीं सोल्यूशन निकला, जैसे होता है ना कि हम अगर मान लीजिए हमारा कोई इश्यू आता है कोई भी तरीके से, तो हम पहले छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जनरल फिजिशियन, फिर वो कहता है नहीं वो फेल हो जाता है, तो हम उससे
हायर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, फिर स्पेशलिस्ट भी मना कर देता है उससे, या वो रिजल्ट नहीं दे पाता, हमें आराम नहीं दे पाता, तो हम उससे हायर में जाते हैं। ठीक उसी तरह से पहले आप अपने कॉन्शियस माइंड से गए, फिर सब कॉन्शियस पे गए, अब हमें अनकॉन्शियस माइंड पर सरेंडर करना है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल डार्क है। तो एक तरह से कह सकते हैं डार्क एनर्जी है, यस कृष्णा है, यस। तो हम जहाँ पर हमें अभी, मुझे तो हाँ डे वन में ज़रूर मुझे बिल्कुल डार्क के पीछे एक लाइट दिखी थी, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा हो तो। अब मुझे वो आज जब आपके साथ वीडियो बना रही हूँ तो मुझे समझ आ गया कि उस डार्क एनर्जी के पीछे लाइट है, तो मैं उसी डार्क एनर्जी के थ्रू जाऊँगी, उसके पीछे नहीं, जल्दी से कूद के नहीं जाऊँगी। थ्रू दिस डार्क एनर्जी आई विल गो टू द लाइट, है ना। डार्क एनर्जी के बाद जो लाइट होती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं आज सारा टाइम अपनी हाईएस्ट सेल्फ को सरेंडर करने में लगाने वाली हूँ, जिस तरह मैंने कल अपनी सारी रिलीज करा है। फिर देखते हैं इसका क्या, जो भी सोच आएगी, जो स्ट्रगल आएगी, रोज़मर्रा की आएगी, पुरानी आएगी, याद कोई भी इमोशन आएगी, मैं सारा सरेंडर करती हूँ। एक्सेप्ट करा, फिर सरेंडर करना, और फिर देखते हैं कि कल का क्या एक्सपीरियंस होता है। और मिलूंगी मैं आपके साथ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, कहीं आप कनेक्ट कर पाते हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज करिए, और आपके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।